व्यवस्था लगी आपको नीलकंठ में आने की? बेकार है यहाँ, हदलेबाजी चल रही है। वो उसका वो रखा है, 50 रुपया टोकन लेना है, मोटरसाइकिल 8 घंटे खड़ी कर रहा है। बिना खाई थी पीछे ढाबे वो रोटी, 100 रुपया प्लेट थी, देखो 2 रोटी थी उसमें। अच्छा। बिल्कुल ऐसी थी नमका पानी। अच्छा हाँ। मतलब यहाँ सेना तो बिल्कुल भाग है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब किसी तरह की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी? दो ढाई के कितने बंदों का? मतलब एक रूम का, एक रूम का कितनी? नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त आप देख सकते हैं भागोवाला के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ और हम आज आपको घुमाने वाले हैं बिजनौर से लेकर चल रहे हैं जो हरिद्वार है। पहले तो हरिद्वार में आपको लेकर चलेंगे और हरिद्वार के बाद आपको लेकर चलेंगे नीलकंठ, यानी कि बिजनौर टू नीलकंठ का ये सफ़र होने वाला है। तो आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है और लास्ट में आपको अपने कमेंट बताना है। तो पूरा सफ़र आप घर बैठे देख सकते हैं और इस वक्त ये भागोवाला की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूँ फ्रंट कैमरे की ओर से। तो ये भागोवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहीं से अब हम आगे की ओर चलने वाले हैं। यहाँ से हरिद्वार पहुँचेंगे और हरिद्वार से फिर नीलकंठ, और देखते हैं कितना वक्त हमको लगता है। वो पूरी जो भी वहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, जो कुछ भी होता है, जैसा भी सफ़र रहता है, हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हम वनों से गुजर रहे हैं और थोड़ी देर में हम जो है वो हरिद्वार पहुँचने वाले हैं और हरिद्वार पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे यहाँ से जो है वो आपको डबल रोड दिखाई दे रही होंगी। तो ये रोड आप देख सकते हैं, उनका रोड जो है वो परफेक्ट है और आसानी से आप सफ़र कर सकते हैं बाइक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जैसे भी आप चाहें ऐसे पहुँच सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ हरिद्वार के अंदर, जिस टाइम हम एंट्री करेंगे वहीं से आपको दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं हरिद्वार जाते वक्त एक पुल का निर्माण कार्य जो है वो इधर चल रहा है और अभी ये पुराना पुल है जिससे हम गुजर रहे हैं। और यहाँ से एक ये नदी आपको दिखाई दे रही होगी, हल्के हल्के पहाड़ भी आपको कैमरे में नज़र आ रहे होंगे। और एक पुल भाई अभी आगे की ओर है और इसी के बराबर में जो है वो देखिए इधर निर्माण कार्य चल रहा है। ये आने वाले वक्त में हो सकता है आप इसी से मिलने, और ये पुराना पुल है जिस पर हम हैं और ये इधर नदी है, अभी इसमें जल भी नहीं आपको दिख रहा होगा। तो ये अभी श्यामपुर कांगड़ी ही चल रहा है और पीछे भी आपको मैंने बताया था, और ये भी श्यामपुर कांगड़ी काफ़ी दूर से मार्केट का ही बना हुआ है रोड पर।
तो इसलिए तब तक आपको रास्ते का ही नज़ारा मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। उनके पास देखने में तो पास में ही नज़र आते हैं, लेकिन जब इनके पास दिखाने की यदि कोशिश करते हैं तो ये काफ़ी दूर हो जाते हैं। मतलब होते ही काफ़ी दूर है, लगता ही ऐसा है कि नज़दीक नहीं हो हमारे नहीं है। तो आपको अभी हम हरिद्वार चल कर आगे दिखाने वाले हैं। हरिद्वार अभी पहुँचे नहीं है, हरिद्वार से कुछ भी वो आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी क्या है, वो हम जाम था और काफ़ी समय से जाम में फंसे हुए थे और लगभग एक घंटे के बाद हम जाम से निकले हैं। और ये जाम इस वजह से है क्योंकि हरिद्वार के अंदर जो है वो मेला चला हुआ है, तो सावन मास आता है, हर बार सावन माह में जो है वो कांवड़िए हरिद्वार के अंदर पहुँचते हैं, इसी वजह से जो है वो जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और इन्होंने रूट जो है वो वैसे भी डाइवर्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जगह जगह जाम जो है भरपूर यहाँ पर देखने के लिए अभी मिल रहा है हमको। हो सकता है जब आप नीलकंठ के लिए आएँ जाम न हो, लेकिन सावन के महीने में तो जाम मानकर ही चलिए कि मिलता ही है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं हरिद्वार में और काफ़ी देश के जो अलग अलग राज्य हैं और विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और नीलकंठ महादेव के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिर यहाँ पर जो है वो जाम हमको मिल चुका है और देखते हैं अभी कितनी दूर तक हमको जाम यहाँ जाम से गुजरना पड़ेगा। तो अभी हम वेलकम टू राजा जी पार्क को जो है वो यहाँ से पार कर चुके हैं और अभी आगे चलते हैं। और ये चिल्ला रोड के नाम से ये जाना जाता है जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं, और अभी जो कुछ भी है वो आगे चलकर आपको दिखाएंगे। और ये चिल्ला का ही ये कुछ तस्वीरें हैं जो चिल्ला मैंने आपको बताया, चिल्ला के नाम से ये रोड जानी जाती है। और ये जो है बिल्डिंग है चिल्ला की ही, और ये मंदिर भी चिल्ला का ही आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ओड़ी गढ़वाल। और ये थाना भी लक्ष्मण झूला पार्क का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चिल्ला डाम के पुल पर खड़ा हुआ हूँ, और चिल्ला डाम आपको जो है मेरे पिछले साइड में दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं वहीं से चल के आपको दिखाने वाला हूँ। और चिल्ला डाम का कुछ नज़ारा यहाँ से दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। तो देखिए ये चिल्ला डाम का ये पुल है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं और यहाँ अपना तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ खींच रहे हैं। तो यहाँ से ये आप तो देख सकते हैं चिल्ला डाम की ये तस्वीरें, और आगे नज़दीक चलकर मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाने की वहाँ से कोशिश करूँगा यदि वहाँ से व्यू लिया जाता है तो। फिलहाल आप तो यहाँ से देख सकते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा डैम है ये चिल्ला डैम। और यहीं से अब हम ऋषिकेश चलेंगे और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ आपको लेकर, तो वहाँ पर पहुँचने में हमको कितना वक्त लगता है। तो ये है सामने आप देख सकते हैं जल विद्युत गृह चिल्ला, और पुल आपको दिखाई दिया और जल भी काफ़ी है यहाँ पर, और हो सकता है कि इससे आगे चलकर हमको कोई नहर वगैरह भी दिखाई दे। तो फिलहाल आपको
देख सकते हैं। तो रास्ते में जाते हुए आपको नीलकंठ जाते हुए ये दिखाई देगा। हालांकि अभी ऋषिकेश पहुंचना है नाम तो है, ऋषिकेश पहुंचने के बाद और सब नीलकंठ के लिए निकलेंगे। देखिए ये नहर जो है वो चिल्ला डैम में ही जाकर मिल चुकी है, इसी पर जो है वो चिल्ला डैम बना हुआ है। सामने में आपको दिखा दूँ काफ़ी जो है वो पानी चलता है इस नहर में, इसी के पानी की नहर है। अभी इसी पर हम चल रहे हैं और आगे चल के आपको दिखा दे रहे हैं पहाड़ों का नज़ारा आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। हालांकि बादल भी छाए हुए हैं और शाम का पत्थर अभी हो चुका है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये ऋषिकेश से जो नहर है, ऋषिकेश वाली नहर पर ही हम अभी रुके हुए हैं और अभी आगे चलेंगे और ऋषिकेश दिखाएंगे। अभी काफ़ी वक्त लग जाएगा हमको वहाँ पर पहुँचने के लिए और इसी नहर के बराबर से ये रोड जो है वो गुजरती है और यहाँ से जो है काफ़ी सवारियाँ चलती हैं। मतलब ज़्यादा बड़े वाहन तो हमको अभी इस पर दिखाई नहीं दिए, केवल इस तरह की गाड़ियाँ या जैसे बाइक वगैरह है इसी तरह की जो है वो वाहन इस रोड पर चल रहे हैं। और ये काफ़ी गहरी नहर है और इसका जो चिल्ला डैम है उसको हम आपको दिखा ही चुके हैं, जो पीछे आपको दिखाया था। तो लगातार आप बने रहिए, अभी काफ़ी वक्त लगेगा पहुंचने में लेकिन वीडियो के माध्यम से जल्दी पहुंचा देंगे हम आपको।
पहाड़ों के बीच से हम गुजर रहे हैं और लक्ष्मण झूला यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास है, तो कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे। वैसे तो रास्ता काफ़ी कठिन है, यदि बाइक की मैं बात करूँ, बाइक के माध्यम से हम पहुँच रहे हैं और मोड़ जो है वो काफ़ी मोड़ हैं यहाँ पर, सामने की आने वाली सवारी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पाती है, तो काफ़ी सावधानी से यहाँ पर जो है वो ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो इसलिए वक्त लगेगा लेकिन सुरक्षित पहुँच जाएंगे आराम के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो पहाड़ों के बीच से हम गुजर रहे हैं, रास्ते में ये पानी का भी साधन है और ये पहाड़ों से पानी आ रहा है और यहीं पर मैं जो है पानी पीने के लिए रुक गया हूँ और अभी हम पानी पीकर और आगे की ओर चलते हैं। सकते हैं ऋषिकेश जो है वो पैदल 5 किलोमीटर है यहाँ से, राम झूला 3.5 किलोमीटर और जानकी सेतु 3 किलोमीटर और नीलकंठ का जो है वो पैदल मार्ग वो ये है इधर की ओर से। लेकिन अभी हमको दूसरे मार्ग से जाना है, यदि पैदल आप जाना चाहेंगे तो यहाँ से भी पहुँच सकते हैं। ये जो है नीलकंठ के लिए ही लोग यहाँ पर जो भक्त हैं नीलकंठ के लिए ही यहाँ खड़े हुए हैं और यहीं से वो जा रहे हैं, कुछ उधर से कर कर भी आ रहे हैं। वो ये रास्ता है, अभी हम देखते हैं किधर को जाना है।
पेड पार्किंग लक्ष्मण झूला कितना 17 किलोमीटर है। तो अभी आप देख सकते हैं रात का वक्त हो चुका है और रात में ही हम अभी पूरी रात नहीं हुई है हालांकि, लेकिन दिन छिप चुका है और हम जो है वो नीलकंठ के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से ऋषिकेश आने के बाद ये नीलकंठ का ही रास्ता है जिसकी ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखते हैं कितना टाइम हमको लगता है वहाँ पर पहुँचने के लिए और काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर क्योंकि सावन के महीने में काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर होती है। और भैया रास्ते भी काफ़ी जो है मतलब मोड़ वाले रास्ते हैं तो थोड़ी सावधानी से यहाँ पर चलना होता है, इसलिए टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। दोस्तों इस वक्त हम नीलकंठ के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो पार्किंग है और यहीं जो है यदि बाइक से आते हैं आप तो अपनी बाइक वगैरह वो यहाँ खड़ी कर सकते हैं। काफ़ी जो है प्राइवेट पार्किंग यहाँ पर बने हुए हैं और अभी मैं आगे चल रहा हूँ और रास्ता हम आपको दिखाएंगे जो नीलकंठ का मेन स्थान है, मतलब यहीं से वैसे तो शुरू हो जाता है लेकिन यहाँ से पैदल ही हमको आगे जाना होता है। तो अभी पैदल हम चल रहे हैं और आगे चलकर आपको दिखाएंगे। से मैं आपको बता दूं जहाँ भी हमने बाइक जो है वो पार्क की है और यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जहाँ को हमको पैदल पहुँचना है, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर के लगभग पैदल का ये रास्ता मतलब सफ़र पूरा करना होगा। तो अभी
हम चल ही रहे हैं, पैदल हैं, रास्ते में हैं। कुछ भक्त जो हैं वो ऊपर से आ रहे हैं और कुछ इधर से जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे पीछे कुछ जो हैं वो भक्त आ रहे हैं और हम अभी इन्हीं से बातचीत करने वाले हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रवित कुमार। रवित कुमार, तो रवित जी कैसी व्यवस्था लगी आपको नीलकंठ में आने की? बेकार है यहाँ, सब धांधलेबाजी चल रही है। हम जो उसका वो रखा है, 50 रुपये टोकन लेना है मोटरसाइकिल, 8 घंटे खड़ी कर रहा है। मतलब पार्किंग में 50 रुपये लिए आपसे? 50 रुपये। और रास्ता उस्ता कैसा, लाइट वाइट की व्यवस्था कैसी दिखाई दी? व्यवस्था नहीं है। अच्छा, वैसा हर जगह पुलिस वाले 200 मीटर, लेकिन कोई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और क्या कह रहा हूँ, जो पार्किंग हो उसमें कोई इतना सामान वाना नहीं है। मतलब लूट है, महालूट है? महालूट है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे जी, कैसा लगा आपको यहाँ का अनुभव, बताना चाहेंगे कुछ आप? हाँ जी, देखो बाबा जी ने खोल रखे हैं आश्रम ये। हाँ, इन मोट 1400-1400 रुपए के आदमी के मांग रहे हैं, देखो ये। अच्छा, तो वैसे देखो ये। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब हर चीज पर महंगाई दिखाई दी? महंगाई दिखाई दे रही थी। हाँ, रहने की व्यवस्था कोई नहीं दिखाई दी? बिल्कुल सब मामला इन्होंने बनकर आप पकड़ रखा। अच्छा, और खाने पीने का कैसा लगा? खाने पीने का खाई थी पीछे ढाबे, वो रोटी 100 रुपए प्लेट थी, देखो 2 रोटी थी उसमें। अच्छा, बिल्कुल ऐसी थी नमका पानी। अच्छा, हाँ। मतलब यहाँ का आप परेशान हुए, दुखी हुए? वो दुखी नीलकंठ के अंदर। तो आप देख सकते हैं अभी, और हम बात करना चाहेंगे, और एक इधर भी हैं भाई। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोनू कुमार है। अच्छा, तो कैसा रहा आपका अनुभव नीलकंठ पर पहुँचने का, और कितनी दूरी आपने तय की है? जी मैंने करीबन 220 के आसपास दूरी तय कर चुका हूँ। 220 किलोमीटर चल कर आए हो आप मतलब? अच्छा, तो कैसी लगी आपको यहाँ की व्यवस्था, पहुँचकर कैसा लग रहा है आपको? भाई जी मैं तो पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, मुझे तो अच्छा, सेम सा ही लग रहा है जैसे पहले कठिनाई का सामना उठाना पड़ रहा था। अच्छा, वो ये भी फिलहाल बाकी ऐसा कुछ व्यवस्था कुछ नहीं है। और खाना पीना रहना सहना कैसा दिखाई दिया आपको यहाँ? खाना पीना रहना सहना तो बिल्कुल भंग है यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब किसी तरह की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी? नहीं। और एक भाई भी यहाँ पे कोई ऐसा सख्त नहीं है। अच्छा अच्छा, एक भाई इधर भी हैं और ये निकल लिए हैं यहाँ से हमारी बात सुनकर। क्या नाम है जी आपका? अनिल। अनिल, कहाँ से आए हो? एमपी। एमपी, मध्य प्रदेश से आए हो आप? कैसा है यहाँ? बढ़िया। नहीं, कैसे कैसे पहुँचे हो, मतलब किस माध्यम से आए हो? मेरी दीदी रहती घंटा घर पे ना। अच्छा, और मैं इधर आ चुका आया हूँ अपने। तो यहाँ का कैसा लगा आपको? बढ़िया। बढ़िया लगा? हाँ। तो यहाँ पैदल आए हो आप? गाड़ी से आए हो? गाड़ी कहाँ पार्क की? और खाने पीने की कैसी व्यवस्था दिखाई दी? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। सस्ता है या महंगा? यार महंगा है यहाँ पर थोड़ा। महंगा है थोड़ा। हाँ। लेकिन मज़ा है? मज़ा है। मज़ा आ रहा है? हाँ। अकेले ही हो और कोई भी साथ है? दो है मेरे अंदर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। सोनू, तो सोनू जी कहाँ से आए हो आपको? मेरठ से आए हो? कैसा लगा यहाँ पहुँच कर? महंगाई उंगाई कैसी लगी? महंगाई तो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी है मतलब। तो अभी यहाँ अंधेरा हो चुका है, अभी मैं आगे चल के बात करने वाला हूँ सोनू। तो भाई आप देख सकते हैं ये नीलकंठ को जो पैदल का सफ़र है, वहीं की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ भक्त जो हैं वो ऊपर से लौट रहे हैं जल चढ़ाने के बाद और अपना प्रसाद चढ़ाने के बाद, जो दिखाई दे रहे हैं रास्ते में आपको। और नाइट का ये सीन आप देख रहे हैं, नाइट में ही अभी हम भी जो है वो सड़क पर चल रहे हैं, मतलब वहीं पर पहुंच रहे हैं जो मेन स्थान है, और वहां पर पहुँच देखते हैं कैसा लगता है वहां। कहां से आए हो भैया? नया गाँव। बिजनौर नया गाँव से आए हो? कैसी लगी व्यवस्था यहाँ? व्यवस्था बहुत बढ़िया। महंगाई उंगाई कैसी लगी? महंगाई तो सभी चीज़ों भैया अधिकतर। अच्छा, यहाँ कैसी दिखाई दी आपको महंगाई? यहाँ कुछ ज़्यादा है। खाने पीने की? और खाने पर सबसे ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, और जो है रुकने की व्यवस्था भी बहुत थोड़ी है। रुकने की मतलब कहीं बातचीत की आपने? बातचीत की है तो वहाँ सीट फुल है अब तो। सीट फुल है? और कितना पैसा मांग रहे थे कहीं? दो ढाई के। कितने बंदों का? मतलब एक रूम का। एक रूम का कितने रह लो उसमें? मतलब दो या चार बंदे तो रह सकते हो? चार तो बंदे रह सकते हो, हम 8 बंदे थे। अच्छा, कुल मिलाकर मतलब महंगाई काफी है। हाँ, और रोड वोड कैसी दिखाई दी आपको? रोड तो बढ़िया है, पहले से बेहतर रोड। कैसा है, बाइक से है आपको? हाँ जी, बाइक से। अच्छा ठीक। तो यहाँ पर दिखे टूरिस्ट टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन का ये एक ऑफिस बना हुआ है, और काफी
भक्त जो हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। और इधर खाने की ये दुकानें हैं कुछ, तो खाने के लिए दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन भैया महंगाई काफ़ी है। और हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की तो वो बता ही रहे थे कि यहाँ पर जो है हर एक चीज़ पर महंगाई है, और कभी आप आए हो तो आपको अच्छा अनुभव होगा यहाँ पर। बिजनौर टीवी, बिजनौर टीवी। तो ये नीलकंठ जाते हुए यहाँ पर एक श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर है, यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा होगा आपको, और दुकानें भी लगी हुई हैं काफ़ी यहाँ पर। तो ये रास्ते में मंदिर पड़ता है जब नीलकंठ को जाते हैं, और प्रसाद वगैरह की दुकानें यहाँ से ही शुरू हो जाती हैं। कितने का है? 50 का। क्या क्या है इसमें? अच्छा, और भैया वो एक गिलास पानी का 1 रुपए वाला। अच्छा, 50 का ठीक। तो ले रहे हो आप? ना भैया महंगा। मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये मंदिर प्रवेश द्वार है, और यहीं से नीलकंठ मंदिर का जो है प्रवेश शुरू हो जाता है। तो इस गेट से जाएंगे और दूसरे गेट से जो है वो वापस आएंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा जो दूसरा गेट है, जो वापस आने का गेट है। तो सामने की ओर आप देख सकते हैं जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है, और मुख्य प्रवेश द्वार मैं आपको दिखा दूँ, और 0 किलोमीटर यहाँ से जो है वो मंदिर रह जाता है, मतलब ऊपर जाना होता है, यहाँ से चढ़ाई करनी होती है। नेटवर्क ही ना आया, लाइव क्या करूं। बेस तो आ रहा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम मिलते हैं जल्दी कोई नया अपडेट लेकर और किसी